हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उस एग्जाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम इस क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड सारी जानकारी लेने वाले हैं। क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, कैसे इन्हें यूज किया जाता है, कैसे इन्हें उपयोग किया जाता है, तो देखते हैं क्या है उपसर्ग और प्रत्यय में। सभी एग्जाम के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, एचटेट, सीटेट और जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम उपसर्ग देखेंगे फिर हम प्रत्यय देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग। अब पहले उपसर्ग है तो इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, हमें ये जानना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ये आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उपसर्ग एक शब्द लिखा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वर्ण अक्षर और शब्द क्या होते हैं, वर्ण अक्षर और शब्द क्या होते हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर, देखो ये मैंने काम लिखा है, काम हमारे पास ये एक शब्द है। काम क्या है, एक शब्द है। तो ये शब्द कैसे है काम, देखते हैं इसमें किस किस से मिलकर ये काम बना हुआ है। इसमें एक क है, क में नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस आका डंडा है, प्लस म है, हलंत लगा हुआ है, प्लस आका डंडा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो काम में चार वर्ड हैं, कितने, चार वर्ड हैं, एक दो तीन चार, कितने वर्ड हो गए, चार वर्ड हो गए। क हलंत लग गया, आ गया, म हलंत लग गया, आ गया, ये हमारे पास काम बन गया। अब ये यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, यानी कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है या फिर वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अगर मैंने शब्द लिखा, काम लिखा है एक शब्द, अगर मैं कहूँ कि इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप बताएंगे वर्ड। वहीं पर मैं एक वाक्य लिख दूं, राम बाजार जाता है, तो ये एक वाक्य हो गया। अगर वाक्य में मैं सबसे छोटी इकाई पूछूं तब भी आप वर्ड बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड होती है वाक्य या शब्द की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पर ये चार वर्ड हो गए, तो वर्ड समझ में आ गया होगा, यानी कि हमने इसके, अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े, जो क में हलंत लगा हुआ है जिसे हम व्यंजन कहते हैं, अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये चार हमारे पास वर्ड हो गए। अब वर्ड, वर्ड के बाद क्या आता है, वर्ड के बाद अक्षर आता है। क्या आता है वर्ड के बाद, अक्षर। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं कहूँ ये का क्या है, का, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास का बनेगा, का बनेगा ना। अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहेंगे ये हमारे पास एक अक्षर है, क्या है, अक्षर। वहीं पर मैं म की पूछूं कि म क्या है तो आप कहेंगे म अक्षर है। ठीक है, तो का अक्षर हो गया और म अक्षर हो गया हमारे पास। अब चार वर्ड हो गए काम में, चार वर्ड हो गए, दो अक्षर हो गए, और जब ये सब मिले तो इन्होंने एक शब्द का निर्माण किया, एक शब्द बना। समझ आया? तो यहाँ पर हमारे पास काम था, काम में हमने क्या देखा, चार वर्ड देखे, ठीक है, और दो इनमें अक्षर देखे, अक्षर, और एक हमने शब्द देखा, कौन सा, काम। तो चार वर्ड, दो अक्षर का और म, और एक शब्द काम। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है, क्या वर्ड है, क्या शब्द है और क्या अक्षर है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ पर कि मतलब अरेंज करो इन्हें, कौन सा शब्द आता है, कौन फिर उसके बाद वर्ड आता है, फिर वाक्य आता है, उपवाक्य आता है, इन्हें अरेंज करो। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वी ए एस टू पी यू वी, ये वाली ट्रिक बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। सबसे पहले वर्ड आता है, यानी कि सबसे छोटा वर्ड होता है, उसके बाद अक्षर आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद, ये टू पी का मतलब दो पी, फिर पद आता है, फिर पदबंध आता है, फिर उपवाक्य आता है, फिर वाक्य आता है, उपवाक्य और वाक्य। तो ये वाली ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी क्या है, एक अरेंजमेंट से याद करने की है,
कि सबसे पहले अक्षर, फिर उसके सबसे पहले वर्ड, फिर उसके बाद अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य और वाक्य। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये उपसर्ग और प्रत्यय है, हम उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर शब्द का उपयोग करेंगे, इसीलिए मैंने बताना जरूरी था कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है और शब्द क्या होता है। तो शब्द तक आप समझ गए होंगे। ये उपसर्ग है हमारे पास, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्या है, एक शब्द है उपसर्ग, लेकिन इसमें क्या क्या है, एक उपसर्ग, एक उप है और एक सर्ग है। उप का मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि समीप बैठकर एक निर्माण करना, एक सृष्टि करना, कोई नया शब्द बनाना, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अब समीप बैठ के कहां पर समीप बैठेगा, आगे या पीछे, समीप का मतलब तो मेरे इधर भी समीप है, मेरे इधर भी समीप है, लेकिन होगा कहाँ, आगे समीप होगा या पीछे। तो उप का मतलब क्या है, आगे। ठीक है, उप का मतलब आगे, कोई शब्द मूल शब्द में आगे जुड़ करके उस मूल शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास उपसर्ग, ये दो उप और सर्ग नामक दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश, देखो मैंने यहाँ पर शब्दांश यूज किया है, शब्द नहीं यूज किया, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश, मैंने यहाँ पर शब्दांश यूज किया है, शब्द यूज नहीं किया है, यानी कि शब्द का अंश, शब्द का अंश को हम शब्दांश कहते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द, अब यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा, जिसका प्रॉपर एक मीनिंग होगा, अर्थ निकलेगा, उसी को तो हम शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर ये शब्द का एक अंश है, छोटा सा भाग होगा, और ये मूल शब्द के आगे जुड़ेगा, शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़ेगा, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के रूप में, ये जय है, जय को मैंने यहाँ पर एक शब्दांश जोड़ा, यानी कि इसका शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो एक शब्द का अंश है, तो शब्द पूरा मिलकर के एक अर्थ देता है, लेकिन जब हम शब्दांश लेते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन वो जब मूल शब्द में जुड़ता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर करके एक नया हमें अर्थ देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर जय है, इसमें हमने एक शब्दांश जोड़ा, एक हिस्सा जोड़ा शब्द का, क्या जोड़ा, परा। तो जय में हमने परा जोड़ा, पराजय बन गया। ठीक है, हमने आगे जोड़ा ना, ये जय तो हमारे पास पहले से था, हमने एक शब्दांश जोड़ा परा, पराय का कोई अर्थ नहीं होता, जय का अर्थ होता है विजय, इस तरह से हम देखते हैं जय जयकार। ठीक है, जिसको हम पूजनी मारते मानते हैं उनकी हम जय करते हैं। तो यहाँ पर ये परा आया, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये जय के आगे जुड़ गया, तो इसने एक अर्थ बदल दिया, जय का क्या कर दिया, पराजय, क्या कर दिया, पराजय कर दिया, यानी कि बिल्कुल उल्टा कर दिया, जय का पराजय। ठीक है, वैसे ही हार है, एक शब्द है हार, आप जानते हैं हार का मतलब हार जाना। ठीक है, ये होता है। अब इसके आगे हमने एक शब्दांश जोड़ा प्र, प्रजोड़ा, शब्दांश है ये, इसका कोई अर्थ नहीं आएगा, अब इसका अर्थ करके देखना, कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन जब ये हार के आगे जुड़ा तो इसने प्रहार बना दिया, क्या बना दिया, प्रहार। वैसे ही आपने हार के आगे आ जोड़ा तो आहार बना दिया, जो भोजन होता है हम खाते हैं, तो इसका अर्थ आ गया, हार का भी अर्थ था आहार का भी अर्थ है, हार का भी अर्थ था प्रहार का भी अर्थ है, किसी पर अटैक करना, प्रहार ये होता है। लेकिन जब हमने जो इस शब्दांश जोड़े हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, न प्र का अर्थ है और न ही आ का अर्थ है ना। वैसे ही यहाँ पर परा का भी कोई अर्थ नहीं है, जब हमने जय में वि जोड़ा तो विजय हो गया, जब हमने परा जोड़ी तो पराजय हो गया, विजय में जय में, और जब हमने जय में वि जोड़ा तो विजय हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
अब होता क्या है प्रत्यय, एक बार दोबारा देखते हैं तो ये प्रत्यय है वो दो शब्दांश से मिलकर के बन, सॉरी उपसर्ग, उपसर्ग है वो दो शब्दांश से मिलकर के बना है, कौन सा, उप प्लस सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, यानी कि समीप बैठ करके सृष्टि करना, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन है किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द हमारे पास जय था, लेकिन जब हमने इसमें आगे एक उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग क्या हो गया यहाँ पर, परा, उपसर्ग क्या हो गया, वे, तो ये हमारे पास उपसर्ग है ये आगे वाले, और ये हमारे पास मूल शब्द है, कौन से, जो हमारे पास पीछे है जय। जय में कुछ भी जोड़ लो, आगे कुछ भी जोड़ोगे वो अलग मीनिंग देगा, हमें अलग अर्थ देगा, लेकिन पीछे का हमेशा ही सेम रहेगा। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हार है, यहाँ पर भी हार है, लेकिन यहाँ पर प्रहार हो गया, यहाँ पर आहार हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब हम उसमें क्या जोड़ देंगे, उपसर्ग जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए इस में, जो भी आपको डाउट बिल्कुल भी ना रहे। तो देखो यहाँ पर है अभाव, अभाव क्या है, एक शब्द है, अभाव हमें पता है किसी चीज की कमी होना को हम अभाव कहते हैं। अब इसमें क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्या उपसर्ग है, तो आप कहेंगे हम इसे तोड़ेंगे, एक मूल शब्द में तोड़ेंगे और जो इसके हमने आगे लगाया है उसको निकालेंगे कि भाई इसमें क्या हमने जोड़ा है। तो आप सभी को पता है भाव, भाव क्या होता है, माप तौल करना, एक तो उसे हम भाव कहते हैं ना, बाजार में जाते हो तो भाव लेना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या जुड़ रहा है, हमने अ जोड़ा तो हमारे पास अभाव बन गया, तो आगे जोड़ा ना, हमने पीछे मत देखना, जब भी आपसे एग्जामिनर उपसर्ग पूछता है ना, तो आप पीछे से मूल शब्द निकालने की कोशिश करना, पीछे से मूल शब्द निकालने की कोशिश करना, और जो आगे रह जाएगा वो हमारे पास उपसर्ग बच जाएगा। और मूल शब्द का मतलब कोई अर्थ होगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मैंने बोल दिया अभाव है तो आप व अलग निकाल लो और अभा लिख दो कि अभा इसमें उपसर्ग है, गलत हो जाएगा ये बिल्कुल। आप पीछे से मूल शब्द निकालने की कोशिश करना जिसका कोई अर्थ होगा, तो भाव निकाला उसका कोई अर्थ होता है, भाव हमारी एक मतलब जैसे संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा भी होती है, हम भाव लेना, ये अलग अलग इसके मीनिंग होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैसे ही अत्यधिक एक हमारे पास शब्द है, अत्यधिक किसी चीज की अधिकता होना, अभाव था कमी होना, अत्यधिक मतलब अधिकता होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप उपसर्ग और मूल शब्द निकाल के दो, तो यहाँ पर आप ये देख लेना ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारे पास उपसर्ग हो गया, जय हमारे पास मूल शब्द हो गया, वैसे ही यहाँ पर सेम, तो इधर वाले सारे उपसर्ग होंगे, इधर वाले सारे मूल शब्द होंगे, ठीक है। तो अत्यधिक है, अब इसमें क्या है मूल शब्द क्या उपसर्ग है, आप कहेंगे अधिक, हमने निकाले यहां से अधिक, मैं अति लगा हुआ है तो ये अत्यधिक बन गया, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही भर पेट में, अब पीछे से कोई शब्द निकालो, मूल शब्द निकालो, तो यहाँ पर पेट आ गया, हमने क्या लगा दिया, भर लगा दिया, भर का कोई भी अर्थ नहीं होता, अति का कोई भी अर्थ नहीं होता, यहाँ पर अ का कोई भी अर्थ नहीं होता, अति होता है जो हम कहते हैं ना, अति कर देना, वो अति होता है, अति नहीं होता है, लेकिन जब ये अधिक के साथ जुड़ जाएगा तो अत्यधिक बना देगा, ठीक है। तो वैसे ही भर पेट, वैसे ही अधपका, अब अधपका में आप उपसर्ग खोजो और क्या खोजो, यहाँ पर मूल शब्द खोजो, तो हम आगे का देखेंगे, पीछे से हमने पका निकाल दिया तो आगे अध बन गया, है ना, पका का मतलब कुछ होता है, पक जाना किसी चीज का, तो पका प्लस अधपका। वैसे ही प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, कूल एकदम ठंडा होना कहते हैं ना ऐसे, तो कूल क्या हो जाएगा, ठंडा होना, इसमें हमने प्रति लगा दिया तो एक प्रतिकूल बन गया। अब प्रति क्या है, एक उपसर्ग हो गया, कूल क्या हो गया, हमारे पास मूल शब्द हो गया, तो इधर सारे मूल शब्द होंगे, इधर उपसर्ग, ठीक है। फिर है निवारण, ने प्लस वारण, तो ने यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये एक उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। वैसे ही प्रबल,
बल में हमने प्र जोड़ दिया तो प्रबल बन गया, वैसे ही प्रज्ञान, ज्ञान में हमने प्र जोड़ दिया तो प्रज्ञान बन गया। फिर हमने सुजन, सुजन में अब जन, जन होते हैं ना जैसे लोगों का इकट्ठा समूह हो उसे हम जन कहते हैं, जन लोग, तो जन में हमने सु जोड़ दिया तो सुजन हो गया, सु का कोई भी अर्थ नहीं होता। वैसे ही संस्कार, संस्कार में हमने सम जोड़ दिया, कार में हमने सम जोड़ दिया, कार तक कार का तो अर्थ होता है तो कार में हमने सम जोड़ दिया, ये बन गया संस्कार। अब देखो ये वाले खुद से करते हैं, निरपराध उद्गम ये वाले, अब आप इसमें लगाना कि कैसे कर पा रहे हैं। देखो करते हैं निरपराध, ये निरपराध का क्या इसमें उपसर्ग होगा और क्या मूल शब्द होगा, तो हम बनाएंगे निर प्लस अपराध, निर प्लस अपराध, ये हमारे पास निरपराध हो जाएगा। वैसे ही है उद्गम, अब इसमें उद्गम में मूल शब्द और उपसर्ग खोजो। देखो उद प्लस गम, गम का मतलब कुछ होता है, उद का मतलब नहीं होता है, लेकिन जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो उद्गम का मतलब कुछ हो जाएगा, है ना, लेकिन जब ये अलग अलग होगा, उद अलग होगा तो कुछ भी इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे ही अपयश, अपयश तो यश में हमने अप जोड़ा हुआ है आगे वाला, ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, अप प्लस यश, तो ऐसे आपको एग्जाम में देखना है। अनुचर, अब हमने चर के आगे अनु जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर लिख दो अनु प्लस चर, ठीक है, फिर हो जाएगा परिक्रम, 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 तो हमने पर जोड़ा हुआ है, किसमें, क्रम में हमने पर जोड़ा है। फिर हो जाएगा विशेष, विशेष में हमने क्या जोड़ा है, तो आप कहेंगे शेष में हमने वे जोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे अलग कर लेंगे, वे प्लस शेष। नेक्स्ट है सो गम, तो गम में हमने सु जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा है, सो प्लस गम, गम जो हमारा लास्ट वाला शब्द है वो मूल शब्द है और इसके आगे हमने सु लगाया हुआ है जो कि हमारा एक उपसर्ग है। फिर आ जाएगा संभव, तो सम में हमने क्या जोड़ा हुआ है, भव जोड़ा हुआ है, तो इसने संभव बना दिया। फिर हमने देश में वि जोड़ा हुआ है जिससे कि विदेश बन गया, ठीक है, तो हमेशा ही आपको क्या करना है, उपसर्ग में हमेशा ही आगे का शब्द निकालने की कोशिश करनी है, पीछे वाला हमारा मूल शब्द होता है और आगे से आप शब्द को निकालने की कोशिश करेंगे हमेशा ही उपसर्ग में। तो उपसर्ग की एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि उप मतलब आगे, आगे से कोई शब्द निकालो, पीछे का मूल शब्द हटाओ और वहां पर जो आगे का हमने जोड़ा हुआ है उसे क्या कह देंगे, हम उपसर्ग कह देंगे। उपसर्ग का ना तो अपना कोई अर्थ होता है बल्कि हम इसे मूल शब्द में जोड़ करके एक नया शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जय का पराजय बनाया, जैसे हमने यहाँ पर जय का विजय बनाया, जैसे हमने यहाँ पर हार का प्रहार बनाया, जैसे हमने यहाँ पर हार का आहार बनाया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रत्यय, अगर उपसर्ग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है प्रत्यय, प्रत्यय को भी हम अलग अलग करके इनके जो शब्दांश है उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रत्यय प्लस अय, प्रत्यय प्लस अय को हम प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय प्लस अय को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मतलब साथ में, अब साथ में किधर, जैसे मैंने बोला उपसर्ग, तो उप मतलब समीप, समीप किधर, इधर या इधर, तो हमने कहा कि समीप का मतलब आगे, उपसर्ग का मतलब आगे समीप बैठेगा। अब यहाँ पर प्रत्यय तो ये भी कह रहा है कि साथ में बैठना, साथ में किधर, तो ये कह रहा है कि बाद में साथ में बैठेगा लेकिन पीछे की साइड बैठेगा, ठीक है। फिर है अय, अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला, साथ में तो चलेगा लेकिन पीछे चलेगा, आगे नहीं चलेगा, आगे कौन चल रहा है, आगे उपसर्ग चल रहा है, तो इसीलिए इसे कहा गया कि तुम पीछे चलोगे, तो जो हमारा प्रत्यय है वो पीछे चलता है, किसके, मूल शब्द के, वो मूल शब्द के आगे चल रहा था, ये मूल शब्द के पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे चलना, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्दांश यानी कि शब्द का अंश मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। आप क्लियर हो गया होगा, इसे हम आगे इसे हम पीछे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं, कृपालु, मैंने एक शब्द लिखा कृपालु, कृपालु का एक मीनिंग होता है
क्या होता है, कृपा करना, जो कृपालु कृपा करते हैं उन्हें हम कृपालु कहते हैं, जैसे भगवान को हम कृपालु कहते हैं। तो यहां पर हो गया कृपालु। कृपा इसमें क्या है, दो शब्द हैं, इसमें दो शब्द, एक शब्दांश है और एक शब्द है। शब्द कौन सा है, मूल शब्द है। तो देखो यहां पर एक है कृपा और एक है आलू, कृपा में आलू। अब आलू तो हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आलू, आलू ऐसे लिखते हैं, आलू तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, आलो लो, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। लेकिन ये जब कृपा के साथ मिल गया तो इसने कृपालु बना दिया, कृपा का अर्थ ही चेंज कर दिया। लेकिन जी जब ये स्वतंत्र रहता तो इसका कोई भी अर्थ नहीं था, कोई भी मीनिंग नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो शब्द उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनका कोई भी स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो मूल शब्द में जुड़ते हैं तो फिर वो उनका कोई अर्थ निकलता है, वो कोई अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो कृपालु है वो दो, एक शब्द और एक शब्दांश से मिलकर के बना है, कृपा प्लस आलू। अब देखो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ये आलू है तो ये एक शब्दांश की बोल रही हो आप। तो देखो मैंने क्या बताया, शब्द का एक प्रॉपर अर्थ होता है, शब्द वो होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है ना। तो लेकिन आलू का तो कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। आलू होता तो हाँ भाई एक सब्जी है, ठीक है, फलों का राजा कहा जाता है आलू, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आलू है, आलू, तो इसीलिए आप क्या, सब्जियों का राजा कहा जाता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं है और यहाँ पर इसे कृपा प्लस आलू करेंगे। आलू कृपा का, कृपा एक मूल शब्द है, यानी कि कृपा का अब भी एक मीनिंग है, कृपा करना है ना। तो लेकिन आलू एक प्रत्यय है, पीछे लगा हुआ है। वैसे ये सेठानी, सेठानी, तो यहाँ पर सेठ प्लस आनी, सेठ प्लस आनी, यानी कि जो सेठ की वाइफ होती है उसे हम सेठानी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, सेठ आपको एक मीनिंग दे रहा है, एक मूल शब्द है, लेकिन जब आनी लग गया इसके साथ तो इसका कोई भी शब्द, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। निकाल के देखो आनी का, कोई भी नहीं निकलेगा। लेकिन जब ये सेठ के पीछे लग जाएगा तो ये सेठानी बना देगा, सेठ का मतलब ही चेंज कर देगा, है ना। सेठ का हम कहते हैं ना विलोम शब्द टाइप का, तो विलोम शब्द बना देगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास मूल शब्द और ये हो गया हमारे पास प्रत्यय, पीछे लगा हुआ है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि उपसर्ग कहीं लगा दो, उप मतलब आगे लगेगा। अब इसे आप उपसर्ग नहीं बोलोगे कि सेठ को हम उपसर्ग बोल रहे हैं, क्योंकि इसका तो एक अर्थ है ना, ये तो एक मीनिंग हमें दे रहा है। हमने कहा का क्या कहा था कि उपसर्ग वे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि जब वे मूल शब्द में जुड़ते हैं तो वो उस मूल शब्द के अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं और वे उनका कोई एक अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे आप उपसर्ग मत कह देना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको, कृपा प्लस आलू एंड सेठ प्लस आनी। प्रत्ययों का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, वैसे उपसर्गों का नहीं होता है, वैसे प्रत्ययों का नहीं होता है। प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, ना तो इनका कोई अपना अर्थ होता है, ना हम इनका कभी स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं। कभी आपने आनी का उपयोग करता देखा है, नहीं देखा होगा ना। वैसे ही आपने आलू का उपयोग करता देखा है, नहीं देखा होगा ना। वैसे ही आपने कभी आन, सा, डा, पन, पा, हार, ये कभी नहीं देखा होगा आपने, दार, कला, ये नहीं देखा होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। तो देखो चढ़ान, अब इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय का पता लगाना है कि इसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। चढ़ान, तो अब मैंने बात की प्रत्यय की, तो आप क्या करेंगे, पीछे से कोई शब्द निकालने की कोशिश करना, या तो आगे से आप पहले मूल शब्द निकालो, मूल शब्द निकालो, मूल शब्द आप निकालोगे तो प्रत्यय अपने आप पीछे से हट जाएगा। तो वो आप पता कर सकते हो कि भाई ये हमारा मूल शब्द है तो प्रत्यय है। जैसे हमने उपसर्ग में क्या किया था, उपसर्ग में हमने पीछे से मूल शब्द निकालने की कोशिश की थी, तो वैसे ही इसमें से आप आगे से मूल शब्द निकालोगे, क्योंकि प्रत्यय तो पीछे लगा हुआ है ना, ठीक है। तो चढ़ान, तो हमने क्या करेंगे, इसमें पीछे आगे मूल शब्द होगा तो आगे से निकालने की कोशिश करते हैं। चढ़ा, चढ़ा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चढ़ान कह सकते हैं, चढ़ गया इस तरह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चढ़ प्लस आन, तो ये हो जाएगा चढ़ प्लस आन। चढ़ हमारा मूल शब्द हो गया और आन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये हो गया मूल शब्द और ये क्या हो गया, प्रत्यय पीछे जुड़ गया। फिर वैसे आपसा, आपसा
आपसा का एक अर्थ है कि तुम्हारे जैसा, वैसे किसी ने कह दिया आपसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, मूल शब्द है सा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपसा। दुखड़ा, दुख प्लस डा, दुखड़ा दुखी होना, तो इसका एक मीनिंग है, लेकिन डा का कोई भी मीनिंग नहीं है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। वैसे ही पागलपन, पागल एक अर्थ दे रहा है, मूल शब्द है, लेकिन पन का कोई भी अर्थ नहीं होता, ठीक है। वैसे ही अपनापन, अपना प्लस अपनापा, अपना प्लस पा। धारी दार, धारी प्लस दार, धारी का मीनिंग होता है, दार का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, बल्कि जब हम इसे धारी के साथ जोड़ देंगे तो धारी दार बन जाएगा और उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ी वाला, गाड़ी का एक मीनिंग है लेकिन वाला का कोई भी मीनिंग नहीं है, जब ये गाड़ी के साथ जुड़ जाएगा तो गाड़ी वाला बना देगा, उसका एक मीनिंग होगा। गुणवंत, गुणवंत एक मीनिंगफुल शब्द है, गुण इसमें एक शब्द है लेकिन जो वंत है वो हमारा क्या है, प्रत्यय है। छोट का, छुट एक मूल शब्द है, का इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, छुट प्लस का। वैसे ही मुखड़ा, मुख प्लस डा, मुख प्लस डा, तो मुख का एक अर्थ होता है, डा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो वैसे इन्हें हम अपने आप करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम इन्हें कर पाते हैं। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, तो हमें प्रत्यय खोजना है तो आगे से हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने निकाला पढ़ने प्लस वाला, इसको हम क्या कह देंगे, पढ़ने वाला। जो पढ़ने वाला होता है, जो ज्यादा पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, पढ़ने वाला। इसमें पांचवा, आगे से मूल शब्द निकालने की कोशिश करते हैं, आप कह देंगे यहां पर देखते ही कि इसमें पांच एक मूल शब्द है, तो हमने निकाल लिया पांच प्लस वा, ठीक है। फिर लाड, ला, लाड प्लस ला, लाड, तो लाड क्या हो गया, हमारे पास मूल शब्द हो गया, और ला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। बुढ़ापा, तो बुढ़ा प्लस पा, बुढ़ा प्लस पा, है ना। डफ ली, तो डफ प्लस ली, डफ मूल शब्द हो गया, ली क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, डफ ली। वैसे ही गवारपन, गवार पन, तो इसमें गवार मूल शब्द हो गया, पन प्रत्यय हो गया, तो हम यहां पर लिख लेंगे गवार प्लस पन। फिर हो गया भोलापन, कोई भोला है लेकिन हमने पन लगा दिया, पन क्या होता है, एक तरह से उनका उसका भाव जाना कि ये क्या है, भोला है, तो ये हमने भोलापन लगा दिया। अगर यही आपसे संज्ञा पूछे तो आप क्या कहेंगे, भोलापन उसकी भाववाचक संज्ञा है ना, तो हम लेकिन यहाँ पर तो हम उपसर्ग और प्रत्यय कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं भोला प्लस पन, भोला प्लस पन क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सॉरी मूल शब्द और प्रत्यय। फिर है धनवान, तो धन में हमने वान जोड़ दिया, धन एक मूल शब्द है, वान जोड़ दिया, तो ये धनवान बन गया। लकड़ी वाला, लकड़ी में हमने वाला जोड़ दिया, तो ये लकड़ी वाला बन गया, ओके। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से। तो कोई भी डाउट रहता है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताना। आपको अच्छे से समझ आया होगा उपसर्ग और प्रत्यय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, कि किस में उपसर्ग है, किस में प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको डेफिनेशन दे देगा कि उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग कौन कौन से शब्द और शब्दांश से मिलकर के बने हुए हैं, इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप बताना कमेंट सेशन में कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।